साल की उम्र से ऊपर चल रहे हो और इस एज पे आने के बाद आपको ये फील होता है, ये महसूस होता है कि मैं आज भी बहुत से सपने अपने पूरे करने हैं। ये ऐसा हर भारतीय के मन में, हर तीसरे भारतीय के मन में ये प्रश्न हर बार उठता है, और जब भी ये प्रश्न उसके दिमाग में उठता है ना, तो हर बार वो मायूसी के सामने खड़े हो जाता है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि इस मायूसी से, इस फोबिया से, इस डिमोटिवेशन से कैसे लड़ा जाए, कैसे इसके सामने खड़ा होकर के डट करके इसको मात दी जाए। हर बार आपको ये फील होता है दोस्तों। आज आपको ये चीज़ समझनी है अपनी लाइफ में कि किस तरीके से जब आप एक ऐसी एज पे पहुंच जाते हैं जिसमें आपको ये फील होता है कि यार मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन फिर भी मैं बहुत पीछे हूँ, करना मैं चाहता हूँ लेकिन एक चीज़ समझ लेना कि जो करना चाहता है ना वो 65 की एज में भी कर लेता है, और जो नहीं करना चाहता ना उसकी लाइफ में अगर 18 साल में स्टार्ट होना वो तब भी नहीं कर पाता। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी चाह क्या है। इस सिचुएशन से जब आपको ये फील होता है कि मेरी एज 30 साल हो गई है उसके बावजूद भी मेरे अभी तक 95% सपने अधूरे हैं, तो क्या किया जाए। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि अपने गोल को इस तरीके से सेट करो, जब गोल को आप बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेंगे और उसको एज में तब्दील कर देंगे तो आपको ये कभी नहीं लगेगा कि आप 30 में हो, 25 में हो, 20 में हो। आपको ये लगेगा कि मैं अपने गोल के हिसाब से, अपने जो गोल के मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं उसके हिसाब से मेरी एज बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको बता दूं कि जब भी सक्सेस किसी भी इंसान को मिलती है जो मेहनत करके मिलती है, बाय लक नहीं मिलती, वो अराउंड 40 के आसपास मिलती है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 65 में भी जाते हैं। आपने दो बहुत बड़े ब्रांडों का नाम सुना होगा और उम्मीद अपनी लाइफ में इसमें जिंदगी में एक बार जरूर गए होंगे। एक है मैकडोनल्ड और दूसरा है KFC। इन दोनों के जो फाउंडर थे, मैकडोनल्ड के फाउंडर ने 55 साल की उम्र में अपना एम को प्राप्त किया था और वहीं KFC के फाउंडर ने 65 साल के उम्र में अपने एम को प्राप्त किया था। तो आप तो अभी 30 के हैं, आप तो अभी आधी एज के हैं उनकी, आधी से भी कम एज के हैं। तो आपको यही चीज़ समझनी है। सबसे पहला पॉइंट, अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी बना के रखिए। आप किसी भी एज में हो बट आप जो करना चाहते हैं ना उसमें कंसिस्टेंट हो जाइए। अपने आप को इतना कंसिस्टेंट कर लीजिए कि पूरे दिन में एक स्पेसिफिक टाइम जो आपने डिसाइड किया है उतना समय आपको अपने एम के लिए देना है। दूसरा पॉइंट, नेगेटिव लोगों से बहुत बड़ी दूरी बना लो, क्योंकि जब नेगेटिव लोगों से दूरी बना लेते हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि अपने माइंड को अपने एम की तरफ फोकस्ड रखो। आप चाहे 30 साल की उम्र की वजह से कुछ काम धंधा स्टार्ट कर चुके हैं, आप कमा रहे हैं लेकिन आपका एम वो नहीं है, बट आपको अपना फोकस बना के रखना है पूरे दिन में एक स्पेसिफिक जो आपने समय अपने लिए तय किया है उसको आपने बना करके ही चलना, उस पर अपना टाइम देना है। फोर्थ पॉइंट, आपको ये समझना अपनी लाइफ में आपको एम जरूर मिलेगा, क्योंकि आप इसी सोच से चल रहे हैं कि मुझे वो एम प्राप्त करना है और हर हाल में प्राप्त करना है, तो आपको वो एम मिलेगा। बट फर्क सिर्फ इतना है कि किस तरीके से आप उसको और कितने जल्दी से जल्दी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हार मत मानना दोस्तों। आप जब भी अपने एम की तरफ बढ़ रहे होंगे बहुत बार हार मिलेगी, हर बार ऐसा लगेगा कि नहीं हो पाएगा यार, बस की ही नहीं है। उस ना बस की को 5 से 10 मिनट तक अपने दिमाग में रहने देना, उसके बाद वापस उसी पे खड़े होना और दिखाना करके दुनिया को कि ये हो सकता था और इसको मैंने करके दिखाया। तो दोस्तों इन्हीं 5 पॉइंटों के ऊपर आपकी जिंदगी डिपेंड है। हार मत मानना, जिस इंसान ने हार नहीं मानी ना वो जीत के ही बाहर निकला है। थैंक यू सो मच।